हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडिविजुअल्स पावर। आज मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। वो स्टोरी से ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेगेटिव कमेंट से अगर हम आपके ऊपर लेंगे, खुद के ऊपर, तो हमारा कितना नुकसान होता है। एक बार दो दोस्त होंगे, एक दोस्त एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है और एक दूसरा दोस्त पेंटिंग करना चाहता है, पेंटिंग में करियर बनाना चाहता है। तो एक दिन क्या हुआ, एक दोस्त ने जो बिजनेसमैन बनना चाहता है वो कोई दूसरी स्टेट में जाएगा बिजनेस सेल्स में। तो जो पेंटिंग दूसरा दोस्त जो पेंटिंग के करियर करना चाहता था, वो सोचा कि जो मैं पेंटिंग करके देता हूँ बन आदमी को, कैसे वो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, वो टेस्ट करने के लिए चाह। तो वो एक बार एक प्लान बनाया कि वो एक पेंटिंग बना के वो एक रोड में डिस्प्ले करेगा और उसमें लिख के आएगा इसमें क्या क्या गलतियाँ है, आप लिख के रखो, लिख के उसमें डिस्क्राइब कर दो। तो वैसे ही क्या, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब गया, वो पेंटिंग ही चेंज हो गया था, उसमें इतना गलतियाँ आदमी ने निकाल के रखा था। तो वो खुद ही उसमें डीमोटिवेट हो गया और पेंटिंग छोड़ दिया करना। तो वो जो दूसरा दोस्त वो रिटर्न आया बिजनेस खत्म करके, तो वो पूछा कि तुमने पेंटिंग करना क्यों छोड़ दिया। तो ये स्टोरी प्रीवियस स्टोरी बताया, तो ये सारे सुन के बाद बोला कि तुम और एक पेंटिंग करो और उसमें लिखो कि इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, आप करके दिखा दो। तो वैसे जिसमें तुमने जहाँ पे तुम डिस्प्ले किया था वही डिस्प्ले कर दो। तो ये दूसरा दोस्त वैसे ही किया। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब गया, उसमें एक भी मार्किंग नहीं था, सारे ब्लैंकी था। तो इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है, बंदे जो होते हैं, हमारा एनवायरनमेंट में जो होता है, हमें खींचने के लिए बहुत सारा नेगेटिव कमेंट देते हैं। उनका नेगेटिव कमेंट्स में आदमी का जो काम है, लोग का जो काम है, वो तो उनका बोलना ही काम है। तो हमें वो नेगेटिव इम्पैक्ट को हमारा अंदर ना डाल के, हमारा सेल्फ मोटिवेशन को ना गिरा के खुद को मोटिवेशन करना है, और ना कि दूसरों का कमेंट से हमें खुद का वैल्यू गिरा के हमारा करियर को खत्म करना। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट ये है, आप अपना सेल्फ मोटिवेशन बढ़ाइए। देखिए स्टोरी में जैसे मैंने बताया जो होता है रियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। थैंक यू।